गाइज, आज की वीडियो में हम दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताएंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रक्चर वन, गाइज आपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, अगला कोई और नहीं बल्कि राहुल शर्मा है। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जो कि है नन अदर देन। इसका मतलब होता है कोई और नहीं बल्कि। इट मीन्स यदि आपको किसी पर्सन का इंट्रोडक्शन कराना है और आप उस पर्सन के इंट्रोडक्शन कराने से पहले यानी कि उसके बारे में बताने से पहले कि वह कौन है, अगर आप उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए नन अदर देन का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कोई और नहीं बल्कि। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। यहाँ पर बल्कि के लिए बट का यूज नहीं होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज नन अदर देन योर ब्रदर। ही इज नन अदर देन योर ब्रदर। अगला एग्जाम्पल, अगला कोई और नहीं बल्कि राहुल शर्मा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द नेक्स्ट इज नन अदर देन राहुल शर्मा। द नेक्स्ट इज नन अदर देन राहुल शर्मा। अगला एग्जाम्पल, जिस इंसान ने मुझे सपोर्ट किया वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे, तो इसकी इंग्लिश होगी द पर्सन हु सपोर्टेड मी वॉज नन अदर देन माई फादर। द पर्सन हु सपोर्टेड मी वॉज नन अदर देन माई फादर। अगला स्ट्रक्चर, गाइज आपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे वह तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो गाइज जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा होती है, इट मीन्स कि जितनी उसकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में लाइक एनीथिंग का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी माई स्टमक इज एकिंग लाइक एनीथिंग। माई स्टमक इज एकिंग लाइक एनीथिंग। अगला एग्जाम्पल, मोहन एग्जाम पास करने के लिए रात दिन पढ़ाई कर रहा है। रात दिन पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब है कि वह बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज स्टडिंग लाइक एनीथिंग टू क्लियर द एग्जाम। मोहन इज स्टडिंग लाइक एनीथिंग टू क्लियर द एग्जाम। लाइक एनीथिंग, इसका मतलब होगा कि वह रात दिन पढ़ाई कर रहा है, इट मीन्स कि वह कड़ी मेहनत कर रहा है। अगला एग्जाम्पल, वह तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है, इट मीन्स कि वह तुम्हें हद से ज़्यादा प्यार करता है, यानी कि जितना प्यार करना चाहिए उससे बहुत अधिक प्यार करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही लव्स यू लाइक एनीथिंग। ही लव्स यू लाइक एनीथिंग। तो गाइज यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिले।